आज जो है भाई 8th जनवरी 2021, और मेरा फिलहाल जो न्यू ईयर का जो फर्स्ट व्लॉग है वो यही है। यार अभी हम देखेंगे कि अब आज के जैसे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। मेरे को अपनी एक तो बाइक वॉश करनी है, तो कल मैंने उसका एक एक्चुअली एयर फिल्टर विल्टर सब कुछ मतलब ठीक ठाक करके उसको निकाल के वॉश करके वो मैंने सही करके रख दिया, और अभी उसकी फिटिंग कर दी है। सोनिया फ़िलहाल गई हुई है अपने ऑफिस क्लिनिक गई हुई है, और अपना फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक आज नया इनविटेशन आया नया प्रोजेक्ट का, और पहले भी प्रोजेक्ट का ले रखा है वो भी पूरा कंप्लीट करके देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपनी बाइक वॉश करवा के उसको नीचे रख दूंगा, वो तब तक सूख जाएगी। फिर उसके बाद उस पर थोड़ी सी हम ना अपना टच देंगे। एक्चुअली क्या है, जब वहाँ से वॉश करवाते हैं तो वो सिर्फ वॉश वॉश करते हैं ना, उसमें कोई पॉलिश होती है ना कुछ होती है। तो बाइक ना थोड़ी सी ना रगड़ हो गई है, काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी हुई थी, घर पे गए हुए थे दो दो ढाई ढाई महीने से, तो फिर वो बिल्कुल ही ऐसी हो रखी। मैंने ना उसको ठीक करवाया ना कुछ करवाया, बस उससे पहले घर जाने से पहले अगस्त में मैंने सर्विस करवाई थी कम्प्लीटली, बट बीच में चला ही नहीं है। तो बाकी फ़िल्टर विल्टर मेरे को उसका क्लीन करना था, वो तो मैंने कर दिया, बाकी अब उसको मैं वॉश करवाऊँगा। तो उसकी वीडियो आगे देख ही लेना, और बाकी देखते हैं यार क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी तक के लिए यहीं पे है, और जैसे जैसे आज का दिन होता रहेगा तो मैं वैसे वैसे करता हूँ। और मैंने सोची हुई है कि अगर मेरे जो मेरा चैनल है अगर उसमें मेरे 200 मेरे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैंने 100 पुशअप्स वाला चैलेंज करना है, 100 पुशअप्स a day for 30 days। तो वो वाला हम चैलेंज पूरा करेंगे, और उससे क्या होगा यार, एक तो थोड़ा सा एक्टिवनेस भी आ जाएगी बॉडी के अंदर, और थोड़ा सा ये भी रहेगा कि यार नया ईयर है नया रेजोल्यूशन है, सब कोई कोई ना कोई नया रेजोल्यूशन बनाते रहते हैं। तो सोचा है कि ये भी एक काम हो जाएगा कि यार अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं करता हूँ यार अपना पूरा का पूरा एक बार घर को भी साफ सूफ करना है। यार बहुत गंदा हो रखा है, देख लो कैसे 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 कैसी चीज़ें पड़ी हुई है इधर उधर, सब कुछ मतलब डस्ट वस्ट इतनी हो रखी है ना। तो ये काम भी पूरा करना है, फिर उसके बाद देखते हैं। होम टूर वाला हिसाब किताब नहीं होगा अभी, और ये अपने बाहर की गैलरी का है। ओ यार उनके कपड़े देख के ना मुझे भी याद आया कि मुझे भी अपने कपड़े सारे धोने के लिए रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो और ये देखो पाइल देखो कितना हो रखा है यहाँ पे, ये सब कपड़े 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 कपड़े, वहाँ देखो ये सब कपड़े कपड़े कपड़े। तो गाइस पूरे घर का ना तहस नहस हो रखा है, मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ, तो रात भर जगा रहना पड़ता है, उसे थक से जाते हैं तो और बिल्कुल कोई काम करने का मन ही नहीं करता, फिर पूरे दिन भर नींद आती रहती है, हाय नींद आ रही नींद आ रही, तो ये हाल होता है। तो चलो यार मैं करता हूँ अपना पूरा का पूरा जो भी है मेरा ब्रश व्रश नहाना धोना सब। अब भाई अपनी बी स्टार्ट करते हैं, इतनी गंदी हो रखी है यार, ये देखो क्या हालत हो रखी है इसकी। अब वहीं पे चलता हूँ सीधा, वहीं मिलूँगा।
बाइक हो गई पूरी नई जैसी। मैं फिर ऊपर गाइज, अभी हो गया है अपनी बाइक का काम पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे थोड़ा सा अपना घर का हिसाब किताब ठीक, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मे भी शायद शाम तक लग जाए। तो भाई 12:11 हो चुके हैं और मुझे 1 घंटे में पूरा का पूरा रेडी होके अपना बैठ जाना है यहाँ पे अपने वर्क स्टेशन में काम करने के लिए। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अब जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा या शाम को, बाय। तो गाइज़ अपना तो काम पूरा का पूरा हो चुका है, अपनी एडिटिंग अब हम रात को करेंगे और जो फ्रीलांसिंग का काम है वो भी भाई मतलब मीटिंग वीटिंग थी उसमें जूम में तो वो हो गई है, और कुछ और भी प्रोजेक्ट पकड़े हैं उसके बारे में भी है। बाकी अब सोनिया का जो डिनर का है वो तैयार हो रहा है, पता नहीं यार उसे तो वेजीज खाने का बहुत शौक है, देखो ऐसा पसंद है उसे खाने का। तो भाई ये बड़ा सॉसेज टाइप का बहुत मिक्स सारी सब्जियां हैं इसमें, मस्त मस्त सारी मस्त सब्जियां हैं इसके अंदर, और बाकी ये उसके खीरे कटे हुए तो ये लास्ट में आप सर्व कर सकते हो साथ में, और फिलहाल हम इसको अब बंद करके रख देते हैं। तो ये थी यार पूरे दिन की मतलब व्लॉग और जो 100 पुशअप्स वाला चैलेंज। और यार फिलहाल अभी देखते रहो जैसे जैसे मतलब अब टाइम बीतता जा रहा है ना, तो वैसे वैसे ना यार व्लॉग्स ना थोड़े से मतलब क्लियर हो रहा है, मतलब एक तरीके से जैसे मैं पहले व्लॉग करता था तो उस टाइम पे थोड़ी सी ना अंदर से हेजिटेशन सी होती थी यार कैमरे के आगे क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो देखो स्क्रिप्टेड तो कुछ होता नहीं है व्लॉग्स में, सबसे अच्छी बात यही होती है कि कुछ भी स्क्रिप्टेड ही होता है, जो है वो वैसे ही है भाई। मतलब आप यकीन नहीं करोगे वो 60% लोग जो देखते हैं वो मेरे सब्सक्राइब नहीं है, और यार 40% लोग जो मेरे सब्सक्राइब्ड है वही वॉच कर रहे हैं। तो यार एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा और सपोर्ट करो यार, मतलब इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस शूट करते हैं और इतना इजी नहीं होता यार व्लॉग्स क्रिएट करना। सब्सक्राइब करके जाया करो यार, बिना सब्सक्राइब करके मत जाया करो। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपना सपोर्ट बनाते रहो। काफ़ी मतलब मैंने देखे हैं कि सब्सक्राइबर आए हैं और अच्छा है यार, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना तो यार ज़रूर सब्सक्राइब। देखो आप देखते हो ना वीडियोज़, एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आपने भाई ऐसे ऐसे लोगों को मतलब इतनी ऊपर पहुँचा दिया है, तो यार कर दो यार इतना ही कह सकते हैं। तो यार जो भी आपको अगर क्वेरी है किसी चीज़ के बारे में, जो भी मतलब आप देखते रहते हो वीडियोस में क्या है क्या नहीं है यहाँ पे कुछ भी गैजेट्स के बारे में, या कुछ भी पूछना है कि ये कितने का है ये कितने, मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने अनबॉक्सिंग करके डाली हुई है अपने व्लॉग्स में, मतलब अनबॉक्सिंग ही करके डाली हुई है। और बाकी यार आज के व्लॉग में बस अपने बीस्ट के बारे में था, तो अपनी बीस्ट की वीडियोज़ आपने देखी ली है। तो यार किस किस को अच्छी लगती है पल्सर 200 NS? बाकी यार ये जो पल्सर है मतलब काफ़ी पुरानी पल्सर है, बट देख लो मेंटेनेंस करके रखी हुई है यार। तो यार मेंटेनेंस करके रखनी पड़ती है अपनी चीज़ों की, अगर ना करो ना तो सारी चीज़ें ना बेकार हो जाती हैं और बाद में ना मन भी नहीं करता। मान लो आज अगर मेरी बाइक मतलब अच्छी नहीं होती ना दिखने में यार, मज़ा नहीं आता अगर वो चलती नहीं है ढंग से या कुछ भी होता है ना, तो सोचते हैं यार इसको ना बेच के ना कोई और बाइक ले लेता हूँ तो चलिए बाकी जिसके पास 200 NS है भाई वो तो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो बिना लाइक सब्सक्राइब करे तो मत जाना, ठीक है ना। तो बाकी यार एक जो मैं कह रहा था काफ़ी टाइम से, जो मेरा 100 पुशअप्स a day चैलेंज फॉर 30 डेज़ का जो चैलेंज है वो यार मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप मेरे 200 सब्सक्राइबर करोगे। तो बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा, देखते हैं उससे कितने सब्सक्राइब करते हैं, और बाकी आई होप कि अच्छा जाए, क्योंकि देखो वो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए भी खुद के लिए है और उससे मेरी हेल्थ को भी अच्छा पड़ेगा, और बाकी अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पाया तो वेल एंड फाइन है, अभी तो इससे अच्छी बात तो है ही नहीं है। तो अपन लोग भी मोटिवेशनल बन जाएंगे किसी के लिए तो चलिए अभी फ़िलहाल इस व्लॉग के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ, और जैसे ही सोनिया आती है फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमने अब डिनर विनर कर लिया है और अब हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, और ये सोनिया को देखो यहाँ पर फ़ोटो अपनी फ़ोटो शूट करवाने के लिए बैठी हुई है कि बस कैमरा निकला होना चाहिए इसको, फ़ोटोज़। तो गाइस अब जो भी है आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना,
और टारगेट रख रहा हूँ मैं यार 200 सब्सक्राइबर का। प्लीज़ यार जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख रहे हो व्लॉग्स बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसा मत करो। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन सी यू, बाय।